Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब fine हो. Standard 6, subject Hindi. Welcome to James International School, student. तो ready हो study के लिए? तो start now. पहले तो हम textbook में चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे. पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 3, जरा मुस्कुराइए. तो हमने अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करवाया था मैंने, तो आपको छोटे छोटे जोक्स सुनाए थे और मैंने आपको होमवर्क में कुछ दिया था CW में लिखने के लिए, जो सामने है आपके यहाँ अभ्यास में से. क्वेश्चन 1, आपको जो भी चुटकुले आए वो लिखने के थे, ये ओमिट करवाया था मैंने. और उसके बाद क्वेश्चन 3 आपको लिखना था, क्वेश्चन आंसर थे. ठीक है, तो आई होप कि आपने CW में होमवर्क कर लिया होगा, है ना स्टूडेंट. फिर उसके बाद में जो पीछे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, वो मैंने आपको ओमिट करवाए थे. ठीक है, तो आई होप कि आपने CW की नोटबुक में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया होगा. तो आज हम चैप्टर नंबर 3 वर्कबुक में स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं. ओके, तो ओपन योर वर्कबुक स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 3, जरा मुस्कुराइए, चुटकुले, पेज नंबर 2020. चलो, आई होप कि आप सबने वर्कबुक ओपन कर ली. कल स्टूडेंट होमवर्क वर्कबुक ओपन. तो स्टार्ट नाउ स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. तो MCQ से स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, मालिक ने किराएदार से क्या कहा था कि किस इसे अपना ही घर समझना. तो क्या आएगा आंसर, सी. एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा था, तो खोपड़ी का. तो आएगा बी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते. क्या नहीं देते, तो किराया. मैं खाली जगह से खिल ठोक रहा हूँ. तो क्या ठोक रहा था, पत्थर से. कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की. कितने बजे तक पढ़ाई की, 1:30 बजे तक. रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी. तो कितने बजे सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, 11. फिर सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. क्वेश्चन 3, डब्बू इतिहास में फेल हो गया था क्योंकि. तो यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस है ना, उसमें से ढूंढ कर आपको सही आंसर लिख कर पूरा विधान पूर्ण करना है. तो सभी प्रश्न का उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. क्वेश्चन 4, एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए कि किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था. तो किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था. उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कि रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी क्यों थी. तो आंसर लिखिए कि रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे चली गई थी. क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें ये पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से हमें सेंटेंस बना बना के लिखने है। ओके कि भाई आँखों का तारा तो बहुत प्यारा, गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। और ऊपर अब देखो पैराग्राफ में से भी लिख सकते हो कि रमेश पिताजी की आँखों का तारा है, ठीक है। फिर दो नंबर कमर कसना तो अच्छी तरह तैयार होना, तो आप लिख सकते हो कि भाई इस साल रमेश ने कमर कसके परीक्षा की तैयारी की थी। और ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कसनी है। पेज नंबर 21 सामने वाले पेज पर स्टूडेंट। थ्री नंबर ईद का चांद होना तो बहुत दिन बाद मिलना, तो उसका सेंटेंस लिखेंगे हम वाक्य, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते हो, ठीक है। आस्तीन का सांप तो कपटी मित्र, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। नजर चुराना किसी का ध्यान न देना, तो बेटा माँ की बात से नज़र चुराता है। आग बबूला होना तो बहुत क्रोधित होना, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, तो हमें लिंग चेंज करनी है कि भाई परिवर्तन करना है, ठीक है। तो मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे है, तो क्या आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा तो एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है तो क्या लिखेंगे हम, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मेरे मालकिन मालकिन है तो मालिक आएगा, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा तो क्या लिखेंगे, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडिताइन रामायण सुनाने लगे तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। फिर लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो हमें चार चार सेंटेंस बनाना, जैसे कि बाग तो बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते है। और हो गया हो तो स्टूडेंट टर्न योर पेज, पेज नंबर 22। मैं रोज बाग में जाता हूँ, वह बाग बहुत सुंदर है। जैसे कि ये शब्द लिखा है इसके बारे में चार सेंटेंस बनाने हैं अलग अलग तरीके से। ओके दूसरा नंबर है नदी, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है और गंगा नदी पवित्र है। फिर दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त जरूरी है। ओके फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पसंद और कहानी, वो दोनों के सेंटेंस आपको घर से होमवर्क में करने हैं, तो ये हुआ आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके तो आपको क्या करना है, लिखिए, चलो हमें वाक्य में प्रयोग नहीं करने, वाक्य इसके बहुत बड़े होते हैं
इसलिए हमें वाक्य नहीं बनाने हैं, ओनली फॉर अर्थ लिखने हैं। ओके, तो अकल बड़ी या भैंस, तो शरीर का बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। आए थे हरि भजन को, ओढ़ने लगे कपास, तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो डिंग मारते हैं ना वे काम नहीं कर सकते। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ओमिट है, फिर उसके सामने वाले पेज पर एक्टिविटी है। जो 1 नंबर हमें नहीं करना है, बल्कि 2 करना है कि चुटकुलों की पुस्तक से 2 चुटकुले लिखे। तो ये आपको 2 चुटकुले, यहाँ पे कोई भी 2 चुटकुले आपको होमवर्क में लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है वर्कबुक में। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में तो शायद हमारी उत्तरायण की छुट्टी होगी, तो उत्तरायण में आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। हैप्पी उत्तरायण एडवांस, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू।